तो हाय दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। तो मैंने आपसे कल ही कहा था कि मैं इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहा हूँ और डेली एक वीडियो लाऊंगा जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई होगी, और जिस वीडियो में एक छोटी सी वीडियो होगी और जिस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमी के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि लोग कभी कभी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए बोर ना हो एक छोटी सी वीडियो होगी 10-15 मिनट की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कुछ टॉपिक जो इकोनॉमी के होंगे और चैप्टर वाइज और लाइन से चलता रहूंगा जब तक पूरा इकोनॉमी ख़त्म ना हो जाए, तब तक चलता रहूंगा। तो इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एसएससी माइंडसेट को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, स्टेट का क्या रोल है इकोनॉमी में, प्लस सेक्टर इकोनॉमीज़ के और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ जो बेस्ड होंगी सेक्टर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए एसएससी माइंडसेट की इकोनॉमी पार्ट टू, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम रोल ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ये कह रहा है कि जो हमारी स्टेट या हमारा जो कंट्री है या हमारी जो गवर्नमेंट है उसका क्या रोल है इकोनॉमी को, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी लोग हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज, उसमें क्या रोल है गवर्नमेंट का या हमारी स्टेट का, ठीक है। तो ये तीन टाइप की होती है, पहली तो ये वन, सेकंड एंड थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीन टाइप की है, रेगुलेटर, प्रोड्यूसर और सप्लायर्स प्राइवेट गुड्स सर्विसेज के लिए, और प्रोड्यूसर और सप्लायर्स पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, रेगुलेटर का सीधा सीधा आपने एक मशीन भी आती है, रेगुलेटर वो क्या है जो रेगुलेट करे या कंट्रोल करे, किसको कंट्रोल करे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी से जुड़े रेगुलेटर की। तो रेगुलेटर का सीधा मतलब यह है कि वो किसी भी प्रोडक्शन जो हमारा हो रहा है कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो हमारे लिए पॉपुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ डिसीजन, कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन जिसको हमारी स्टेट कंट्रोल करे, वो रेगुलेटर के रूप में होती है, ठीक है। वो रोल होता है रेगुलेटर का। तो जब हमारी स्टेट कि हमारे जितने प्रोडक्शन वगैरह सबको कंट्रोल करती है तो वो रेगुलेटर कहलाती है, ठीक है। ये था हमारा रेगुलेटर। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर और सप्लायर। प्रोड्यूसर और सप्लायर का आपको सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि जो चीज़ प्रोड्यूस करे और सप्लाई करे, ठीक है। पर यहाँ पर ये दोनों एक ही नाम के, पर अंतर क्या है कि यहाँ पर प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज आ रहा है। प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जब सरकार या कोई भी स्टेट कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है और मार्केट में ला रही है एज ए प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, प्लस उसमें से कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर रही है, जैसे आप कह लें जो सरकार की तरफ से कुछ भी जो बसेस चलती हैं या फिर गाड़ियां आ रही हैं या फिर कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें से सरकार अपना कुछ प्रॉफिट निकाल रही है, ठीक है। तो वो होता है प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर और सप्लायर, या कोई भी जैसे आपने क्लॉथ की बात कर लो, ड्रिंकिंग जो होते हैं उनकी बात कर लीजिए, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हैं, कुछ भी बात कर लीजिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के गुड्स एंड सर्विसेज को अगर स्टेट हमारा प्रोड्यूस और सप्लाई करे तो वो प्रोड्यूसर और सप्लायर होता है प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर में प्रोड्यूसर और सप्लायर का गवर्नमेंट का ये रोल होता है, स्टेट का ये रोल होता है, जब वो हमारी नीड्स जो होती हैं, जो हमारी नॉर्मल नीड्स होती हैं उनको कंप्लीट करें, जैसे हमारा लिविंग ऑफ जो ह्यूमैनिटी है, हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है, प्लस हम हमारा ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली, ठीक है, फूड, ये सब जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं इनको जब हमारी स्टेट प्रोड्यूस करके हमें सप्लाई करती है, वो एक है प्रोड्यूसर सप्लायर किसके लिए, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो ये तीन टाइप हैं हमारे बेसिकली रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी, रेगुलेटर है पहला, दूसरा है प्रोड्यूसर और सर्विसेज पब्लिक सेक्टर के लिए, वो सॉरी प्राइवेट सेक्टर के लिए, और प्रोड्यूसर और सप्लायर किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ इकोनॉमी। कभी कभार आ जाता है कि चार ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा रोल ऑफ इकोनॉमी नहीं है स्टेट का, ठीक है। तो कभी पूछ लेंगे कि रेगुलेटर का क्या वर्क होता है, चार ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, तो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए रोल ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी तीन टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट टॉपिक पहुंचते हैं हमारा, ठीक। चलिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में वो सीधे सीधे बस ये कह रहा है कि इकोनॉमी के कितने भागों में बांटा गया है, मतलब उनके
प्रोडक्शन के जो है हमारे जो प्रोडक्शन का जो सेक्टर्स हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं, कि मतलब जो बेसिक से लेके सबसे मेन हमारे जो टॉप मोस्ट लेवल है इकोनॉमी का वो क्या है, कि हमारा प्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है इकोनॉमी का, कहाँ से हमारी इकोनॉमी बनती है इंडिया की और कहाँ तक जाती है, ठीक है, यह सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो बात करें ये भी तीन टाइप में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, ये हैं हमारे तीन टाइप। बात करें अगर प्राइमरी सेक्टर की तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि हमारा जब कोई भी चीज़ बनती है तो उसका पहले कुछ ना कहीं से उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति कहें तो कहीं से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सीधे सीधे इसकी डेफिनेशन देखिए ये है कि दिस इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज वेयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसका सीधा कहने से मतलब ये है कि जहाँ पर जिस सेक्टर में हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। जैसे फार्मर्स होते हैं विलेजेस में तो वो फूड्स हमारा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, प्लस फॉरेस्ट्री, हम फॉरेस्ट से कई सारी चीज़ें लेते हैं, ट्रीज वगैरह लेते हैं पेपर बनाने के लिए, प्लस फिशिंग से मछलियाँ लेते हैं खाने के लिए, कई भी चीज़ों के लिए, दवाइयों के लिए, फ्यूल्स के लिए, हमारे ये सब जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, माइनिंग को भी हम कह सकते हैं, कभी कभार वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है पर वो है तो हमारा नेचुरल रिसोर्स ही, तो हम इसको भी कह सकते हैं कि हमारा ये जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम सीधी बात में कहें तो इंडस्ट्रीज जो हमारी हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं। वो क्या करती हैं, हमारे प्राइमरी सेक्टर को एज अ रॉ मटेरियल लेती हैं और उनसे कुछ बना के हमें प्रोवाइड कराती हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का काम क्या है, इंडस्ट्रीज का जो प्राइमरी सेक्टर या कहें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, विच यूजेज द प्रोड्यूस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मतलब ये प्राइमरी सेक्टर का जितना भी रॉ मटेरियल है या जितना भी मटेरियल है वो सब लेकर कुछ प्रोड्यूस करती है, कुछ बनाती है, ठीक है, मेक करती है। तो ये है सेकेंडरी सेक्टर या इसे कहें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तीसरा है हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, या फिर आप सिविल सर्विसेज भी ले लीजिए, ये भी हमारा, इसको सीधे सीधे से हम कहें तो सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करें टर्शियरी सेक्टर की तो टर्शियरी सेक्टर ये है जिसमें जहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये हमारे जो जितने भी बेसिक्स सर्विसेज हैं हमारी, जैसे एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म हमारा हुआ, सर्विस गवर्नमेंट सर्विसेज ये उतनी हो गई, ठीक है, या हमारे जितने भी गुड्स हम ले रहे हैं वो कहीं से हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे टर्शियरी सेक्टर्स कहलाते हैं, सर्विस सेक्टर। जहाँ पर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारा वो हमें सर्विस दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्विस सेक्टर। तो ये तीन टाइप के सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। और इन्हीं पर बेस्ड है हमारी जितनी भी इकोनॉमी है वो सब इन्हीं पर बेस्ड है। क्यों, कहीं से रॉ मटेरियल आता है उसको प्रोड्यूस प्लस फिर कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी पूरी इकोनॉमी इन्हीं तीन सेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो जैसे बात करें हम नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हुआ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेस्ड ऑन इकोनॉमी सेक्टर्स, ठीक है। तो हमारे ऊपर वाले जो सेक्टर्स हैं हमने बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इसी पर बेस्ड है हमारे ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, किस, ठीक है। तो वैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज अलग हैं, वो आप उनकी बात नहीं करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी वगैरह वो अलग हैं, वो तो नॉर्मल जो टाइप हैं इकोनॉमीज थ्योरेटिकल उनकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर हम सेक्टर्स के बेस्ड पर बात करें तो हमारी इकोनॉमीज भी तीन टाइप में बढ़ती है। कैसे, अगर बात करें तो तीन टाइप में कैसे, पहली है एग्रीरियन इकोनॉमी, ठीक है, सेकंड है हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और थर्ड है हमारी सर्विस इकोनॉमी, ठीक। तो अब इसमें बात करें एग्रीरियन इकोनॉमी, तो एग्रीरियन इकोनॉमी जो आती है वो प्राइमरी सेक्टर पे आती है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर आपको बताया था जहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह यूज होता है, तो यहाँ पर शेयर्स बढ़ते हैं। शेयर्स कैसे, कि शेयर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज मोर देन 50%। अगर इस किसी इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा उसका जो भाग है वो 50% से ज़्यादा है, मतलब वो 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चर को वर्ड्स को मिला के एग्रीरियन इकोनॉमी बना दिया है, ठीक है।
तो मतलब अगर उसका कंट्रीब्यूशन 50% से ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर का तो वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। अगर एग्जांपल की बात करें जैसे इंडियंस इंडिपेंडेंस से पहले अगर जो हमारा इंडिया था वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी के अंदर आता था, ठीक है, तो वो एग्रीगेरियन इकोनॉमी के अंदर आता था। उसके बाद धीरे धीरे जब इन ब्रिटिश आए, उन्होंने चेंज करा, सर्विसेज आई, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ हमारा इंडिया का, तो आज उस टाइम पे 60% का भी शायद हमारा एग्रीगेरियन था और सेक्टर इकोनॉमी थी, और आज शायद 18% ही रह गया है जो उसका शेयर है प्राइमरी सेक्टर का, जबकि 60% पॉपुलेशन हमारी बेस्ड है एग्रीगेरियन इकोनॉमी पे, पर जो शेयर है इसका वो सिर्फ 18% है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो 60% है हमारे इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन का, जो फार्मर्स वगैरह हैं जो गांव में रहते हैं और बाकी सब चीज़ें हैं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स वगैरह, पर जो शेयर है इसका, जो कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ 18% है ओवरऑल हमारे जीडीपी का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी अगर आपको सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह, जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसका शेयर मोर देन 50% हो जाए, मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं और उसका जो वो है कंट्रीब्यूशन वो भी 50% से ज़्यादा हो, 50% या 50% से ज़्यादा हो। एग्जांपल की बात करें तो जितनी भी डेवलप्ड कंपनी कंट्रीज हैं वो एक ना एक दिन हमारी गुजरी थी, किससे गुजरी थी, हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से गुजरी थी जब वो डेवलप्ड हो रही थी, ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उन कंट्रीज में, तब वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी, क्यों, तब वहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा हो रहा था इकोनॉमी का, अभी भी है, पर अब वो ओवरऑल डेवलप्ड हो चुकी हैं, ठीक है, तो अब एक से वो म्यूचुअल इकोनॉमी में चल रही हैं। पर अभी क्या है, जो हमारी इंडिया है वो डेवलप्ड हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो एक बार को हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा शेयर है हमारी इंडिया में, ठीक है। तो यह है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। हमारा जो थर्ड है वो है हमारा सर्विस इकोनॉमी। तो सर्विस इकोनॉमी क्या है हमारी, सर्विस इकोनॉमी क्या कहती है, जब हमारी जो सर्विस टर्सरी सेक्टर है, जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, ठीक है, उसका हमारा टर्सरी सेक्टर का जो हमारा शेयर है वो 50% से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वो हमारे 50% से ज़्यादा हो जाएगा तब वो हमारा सर्विस सेक्टर कहलाएगा। जैसे आज के टाइम पे इंडिया में मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं तो हमारा सर्विस सेक्टर कहलाएगा, ठीक है, जो शायद इम्पॉसिबल है पर कहलाएगा। एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, जब प्राइमरी सेक्टर का 50% से ज़्यादा हो तब एग्रीगेरियन की इकॉनमी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 50% से ज़्यादा हो तब इंडस्ट्रियल इकॉनमी, और सर्विस सेक्टर का ज़्यादा हो तो सर्विस इकॉनमी, सॉरी। तो ये तीन टॉपिक थे पूरे जो मैंने लिए आज, रोल ऑफ स्टेट इन द इकॉनमी, सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी और टाइप्स ऑफ इकॉनमी, ठीक है। तो कल मैं लेकर आऊँगा नेशनल इनकम, जिसके अंदर मैं बात करूँगा GDP, NNP, NDP, ठीक है, इन सब के बारे में बात करूँगा, नेशनल इनकम, इन सारे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें नीचे, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ भी कोई डाउट आ रहा है वो पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।